सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वरजातिया। और मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बच्चों के बीच में बहुत भयंकर खलबली रहती है कि जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तब तो सर हमें आ रहा होता है, लेकिन जब हम घर में सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारी टाटाएँ हो जाती है। तो इस वीडियो के दौरान आपको पता चलेगा कि मैं क्वेश्चंस पे अप्रोच कैसे लगाता हूँ, आपको कैसे लगानी है, और जितनी भी बुक्स हैं उसके जितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद, आई होप क्या, आई गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपका ये मोल कॉन्सेप्ट पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हाउ मैनी ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम कार्बन। तो जब भी ये बात करी जाए ग्राम एटम को लेकर, तो समझ जाना कि वो मोल पूछ रहा है। ये पॉइंट टू बी नोट में आप लिख लेना कि कभी भी आपसे ग्राम एटम को लेकर बात पूछी जाएगी तो आप क्या समझोगे कि आपको मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स ही रहे। अच्छा, मोल को तीन भागों में, तीन नजरिए से देखा जा सकता है, और वो नजरिया क्या है, ये रहा मास। अगर मास की बात कर रहे हैं तो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम एट एसटीपी है तो हमेशा 22.4 लीटर लेगी, यानी कि किसी भी गैस के लिए वन मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। और वन मोल ऑफ एनीथिंग, यानी कि वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वन मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, तो वो Na के बराबर रहेंगे, यानी कि 6.022 × 10⁻³। क्लियर बच्चों, अब आगे चलते हैं। और भी तो इसमें आपने देखा कि एक मोल की हैसियत अगर हम मास के टर्म्स में देखें तो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है। वॉल्यूम के टर्म्स में देखें एट एसटीपी में तो 22.4 लीटर्स होती है। और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह के टर्म्स में देखें तो वो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6.022 × 10³। यस, तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का खेल खेलेंगे। हमें जो चीज नहीं पता होती है या जो चीज हमें अननोन होती है, हम उसको बच्चों राइट हैंड साइड में रखते हैं, और जो चीज हमें पता होती है, जो चीज नोन होती है, वो हम LHS में रखते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हाउ मेनी मोल पूछ रहा है, यानी कि मोल कह लो या ग्राम एटम कह लो, ये हमें नहीं मालूम, और हमें मास इन ग्राम दिया हुआ है, यानी कि मास आपको मालूम है, मास पता है। अच्छा, पहली जो स्टेटमेंट होती है वो स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड मानी कि कार्बन का स्टैंडर्ड मास, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 12। कितने मोल के लिए, एक मोल के लिए। तो जब भी आपने चार्ट देखा था उसमें क्या लिखा था, वन मोल इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब चूंकि एटम है, कार्बन है, तो हमारे यहां पे ग्राम एटॉमिक मास की बात होगी। तो ये आपको एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया गया होगा, उसकी आप टेंशन ना लो। तो वन मोल में 12 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे 60 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/12 × 60, यानी कि 5। तो ये जो आपका आंसर था, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट, तो आंसर है 5 ग्राम एटम्स, यानी कि 5 मोल्स आर प्रेजेंट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो, मोल का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तो आए नंबर ऑफ एटम्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, अपॉन 6.022 × 10³। जिसको तुम लोग एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na से डिनोट करते हो। तो अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कह रहा है, तो N यानी कि 5 × Na, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वरना एक और क्वेश्चन समझ लो। कह रहे हाउ मेनी ग्राम एटम्स, तो फिर से बात क्या आ रही है, मोल्स की। आर देयर इन वन एटम। देखो, बड़े छोटे और बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन करने में टाटा फिस होती है, याद रखना। बच्चा समझ नहीं पाता डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। तो आइए इसका एक सिंपल मेथड जो ऊपर मैंने आपको समझाया है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी मोल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अब की जो अननोन है RHS में वो मोल है, और जो दिया है वो हमें दिए हैं नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। स्टैंडर्ड मोल्स कितने होते हैं, वन मोल होते हैं। स्टैंडर्ड एटम्स कितने होते हैं, 6.022 × 10³।
कितने नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा है क्वेश्चन में, वन की, तो उसमें कितने मोल होंगे, तो वन अपॉन 6.022 इंटू 10^23 इंटू वन, ये आंसर है भाई, वन अपॉन एन ए आंसर है। तो हाउ मेनी ग्राम एटम्स, वन अपॉन एन ए ग्राम एटम्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इन 4 ग्राम एटम ऑफ ए जी यानी कि 4 मोल्स ऑफ ए जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ए जी, तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। 4 ग्राम एटम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 4 है, गिवन मास हमें पता नहीं x, एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया है 108 amu, तो आपका जो गिवन मास आएगा दैट कम्स आउट टू बी 108 इंटू 4, तो शायद ये 432 आएगा, 432 ग्राम, ये आंसर है। नेक्स्ट है वेट ऑफ वन एटम ऑफ ए जी, वन एटम ऑफ ए जी, अब देखो आपको फिर से यहां पे मास निकालना है और आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स स्टैंडर्ड की बात करें तो 6.022 इंटू 10^23 होता है, मास स्टैंडर्ड की बात करें तो वो ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 108 है, एक एटम की बात कर रहा है तो एक एटम में कितने होंगे, 108 अपॉन एन ए इंटू वन, दिस इज द आंसर। तो ये देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन धमाका डोलते हैं बच्चों के दिमाग में, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये यूनिटरी मेथड लेकर चलते हो और जो जो भी चार्ट आपने वीडियो में देखा है अगर आपको वो चार्ट मालूम है तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप बड़े इजीली खेल ले जाओगे। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव में, आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे।